Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Ittisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is analyzing DNA. Or we can say DNA fingerprinting. Aur iska teesra naam jo hai DNA profiling bhi hai. Dear students, ye technique kyun istemal ki jati hai? Iske purposes kya hain? Aur iska jo overall procedure hai wo kya hai? Wo basically aaj hum is topic ke andar jo hai wo padhenge. Sabse pehle hame dear students pata hona chahiye ki genome kya cheez hoti hai. Is cheez ko padhne ke liye aapko genome ka pata hona chahiye. Genome dear students aap kehte hain ki overall jo aapke paas genes hote hain ek individual ke andar, the sum of total genes इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोम. वो आपके पास क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेल लिया, ये इंडिविजुअल में से आपने क्या कर लिया, एक सेल ले लिया. ये सेल डियर स्टूडेंट्स आपका बोन में से भी हो सकता है, ये हेयर फॉलिकल भी हो सकता है, और डियर स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ये स्किन से भी हो सकता है. किसी जगह से भी आपने एक सेल जो है, एक या ग्रुप ऑफ सेल आपने ले लेना है, और उस सेल के अंदर आपको पता है कि इंसान का ओवरऑल क्या पड़ा होता है, जीनोम पड़ा होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ भी जीनोम के अंदर शामिल है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसके अंदर भी जीन्स होते हैं, वो भी बेसिकली आपके जीनोम का हिस्सा होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेटरनल इनहेरिटेंस है, मदर की तरफ से आता है. तो इसमें भी जो जीन्स होंगे बेसिकली वो टोटल आपके पास क्या कहलाएंगे, आपका जीनोम कहलाएंगे. अब सबसे पहले क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, डीएनए की प्रोफाइलिंग करनी है, डीएनए को चेक करना है. फॉर एग्जांपल, दो बंदे हैं, दो बंदों का डीएनए एक दूसरे के साथ मैच करना है, तो डीएनए डिफर कहां से करता है, कौन कौन से डिफरेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इसके अंदर हमने पढ़ने हैं. बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने डीएनए की प्रोफाइलिंग करनी है. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्रोमोसोम्स को या इस डीएनए को डियर स्टूडेंट्स इससे बाहर निकालना पड़ेगा, और दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वी कैन से डीएनए एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी. और वो किस तरह से होगी डियर स्टूडेंट्स, वो होगी आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से. सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, स्पिनिंग करवा के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में और ज्यादा स्पीड के साथ स्पिनिंग करवा के डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैस एंड डेंसिटी. अब सेंट्रीफ्यूगेशन के रिजल्ट में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या कर लिया है, डीएनए निकाल लिया है, और वी कैन से पूरे का पूरा जो जीनोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो आपने क्या कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया है. अब आपने क्या करना है, इस डीएनए या इस जीनोम को, या टोटल आपके पास इंडिविजुअल का डीएनए है, उसके लिए आपने एक टेक्निक यूज करनी है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अंदर क्या होता है, आप इस जीन को, और वी कैन से इस जीनोम को क्या करते हैं, सब्जेक्ट करवाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. फॉर एग्जांपल, ये आपके अब क्या है, 46 क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, और इसको आपने अब किसके साथ सब्जेक्ट करवाया, इसके अंदर आपने डाल दिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. अब आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस इन 46 क्रोमोसोम्स को कट कर देंगे, इनके डीएनए को स्मॉल पीसीस के अंदर. सो इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियसेस होंगे ये क्या करेंगे, इस डीएनए को स्मॉल पीसीस के अंदर कट कर देंगे. अब ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास स्मॉल पीसीस होते हैं, बेसिकली ये डिफरेंट लेंथ के होते हैं, इनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं होती. अब जब आपके पास डिफरेंट लेंथ के बहुत सारे फ्रैगमेंट आ जाएंगे डीएनए के, तो ये किस वजह से हुआ है, एंडोन्यूक्लियेजेस की वजह से हुआ है, एंजाइम्स की वजह से हुआ है, जिन्होंने क्या कर दिया, आपके जीनोम को कट कर दिया. तो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मतलब क्या, कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से क्या बन रहे हैं, फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है बहुत सारी शेप्स, मतलब बहुत सारे आपके पास डीएनए के फ्रैगमेंट जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो आ चुके हैं. अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन फ्रैगमेंट जो हैं, ये जो आपके पास डिफरेंट फ्रैगमेंट है, इनको आपने एक नए एपरेटस के अंदर लेकर आना है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये आपके पास क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. इसके थ्रू ये जो मशीन है बेसिकली आप देख रहे हैं, इसके थ्रू अब आप क्या करेंगे, इस
डीएनए के सीक्वेंसेस जो हैं या डीएनए के डीएस जो फ्रेगमेंट हैं उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब ये ओवरऑल अपरेटस क्या है, ये एक डीएस स्टूडेंट्स मशीन है, इसके अंदर एक टैंक होता है और उस टैंक के अंदर आप क्या करते हैं, बफर डाल देते हैं, बफर सॉल्यूशन होता है जो डीएनए को बेसिकली मेंटेन या स्टेबल करके रखता है। उस बफर के अंदर एक जेल होता है, जेल इस तरह से बनाया जाता है कि एक साइड पर, फॉर एग्जांपल ये देखें, एक साइड पर भी शीशे की प्लेट है, दूसरी साइड पर भी शीशे की प्लेट है, इसके सेंटर में आपने एगारोज जेल डालना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये आपके पास क्या है, एक साइड है शीशे की प्लेट होती है और ये दूसरी बिल्कुल बारीक सी थिन होती हैं, इसके अंदर अब आपने क्या कर देना है, एगारोज जेल डाल देना है और इस तरह से डालना है कि इसके अंदर कोई बबल वगैरह ना बने। डियर स्टूडेंट्स, अगर बबल बन गया तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट है वो पूरी तरह से मूव नहीं करेंगे। सो अब ये आपके पास, ये तो मैंने आपको ऐसे करके दिखाया, ये शीट बेसिकली ऐसे होती है, ये ग्लास जो है वो ऐसे होते हैं। अब आपने क्या करना होता है, इसके अंदर वेल्स बनाने होते हैं। वेल्स आप किस वजह से कैसे बनाते हैं, कॉम्ब होती है आपके पास, उस कॉम्ब की मदद से आप क्या कर देते हैं, ये जो आपके पास प्लेट है उसके अंदर आप इस तरह से जो है वो वेल्स बना देते हैं और वी कैन से आपने छोटे छोटे सुराख बनाने हैं जिसके अंदर आपने सैंपल को लोड करना होता है। जैसा कि ये मैंने आपके ग्रीन कलर का बना के दिखाया, ये आपके पास क्या है कि अगर उस जेल है और ये इसमें मैंने छोटे छोटे सुराख बनाए हुए हैं, वेल्स बनाए हुए हैं। ये वेल्स का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने सैंपल लोड करना होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास सैंपल है, ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके पास लेंथ के बने पड़े हैं डियर स्टूडेंट्स, डीएनए के जो पीसीज हैं उनको आपने क्या करना है, इसमें से माइक्रोपिपेट की मदद से यहां से ले लेना है और इनको उठा के बारी बारी इसके अंदर लोड कर देना है। अब आपका सैंपल जो है वो किधर लोड हो चुका है, इस अगर उस जेल के अंदर लोड हो चुका है। अब आपने इसको क्या कर देना है, बैटरी लगा देनी है डियर स्टूडेंट्स। बैटरी ये नेगेटिव टर्मिनल और ये आपके पास क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। अब जब आप इसको बैटरी लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है आपके पास, डीएनए में फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। ये मैंने आपको 20th चैप्टर के अंदर भी बताया था, जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैपिंग करता है तब भी मैंने बताया था कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने इसमें क्या किया, सैंपल लोड किया, तो जो फ्रेगमेंट थे जिनकी लेंथ छोटी थी वो आपके पास आगे आ गए इस जगह पर, और जैसे जैसे लेंथ आपके पास मोटी होती जाती है वो डार्कर होते जाते हैं और वो आपके पास इसके करीब आते जाते हैं। किसके करीब, बिल्कुल सैंपल के पास आते जाते हैं इस जहां पर आपने लोड किया। तो ऐसा कब होता है, ये जो आपके पास शॉर्टर लेंथ के होते हैं वो इतना ट्रैवल क्यों करते हैं अगर उस जेल के अंदर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इधर से नेगेटिव चार्ज है और इधर भी आपके पास डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो जो ये बफर है ये इसको इसको क्या करता है, और ज्यादा आसान करता है कि ये आसानी से जो है वो मूव कर जाए। तो जो शॉर्टर लेंथ के होंगे वो इस सैंपल से दूर जाएंगे और वी कैन से पॉजिटिव की तरफ से जाएंगे, और दूसरा काम क्या है, पॉजिटिव उनको क्या कर रहा होता है, अपनी तरफ खींच रहा होता है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ये आपने डीएनए लिया हुआ है, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है या आपके पास आप कह सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। फॉर एग्जांपल ये जो 46 क्रोमोसोम का था, हमने ये एक इंडिविजुअल से लिया और इसको मैं लगा देता हूं ग्रीन कलर से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सब्जेक्ट है ए, ये इस इंडिविजुअल से लिया गया है। मसलन मिसाल देता हूं मैं आपको, हम यहां पर चार बंदे हैं सपोज कर लें, तो फॉर एग्जांपल एक मैं, ये दो तीन चार, चार हम बंदे हैं। हम चार बंदों में से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं ये देखना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पर क्या हो गया, कोई क्राइम हो गया, किसी ने चोरी कर दी है, सस्पेक्टेड हम चार लोग हैं, तो इन चारों में से बेसिकली आपके पास जो है वो कल्प्रिट कौन है, किसने जुर्म किया है। तो क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, चारों का डिफरेंट, ये इसी तरह से सेल ले लेने हैं और उसी तरह से चारों के डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या कर लेना है, कट कर लेना है, जिससे क्या होगा। अब ये आपके पास सपोज बंदा जो है बी है, अब बी का जो डीएनए है उसके बैंड कुछ इस तरह से आएंगे, मतलब वो इससे डिफर भी हो सकते हैं और ऑब्वियसली डिफरेंस होंगे, वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और क्यों डिफर करते हैं वो भी बता देता हूँ। ये इस बंदे का जो बैंड आया था वो बेसिकली यूं आया था, और जो आपके पास बंदा सी है उसका किस तरह से आया है, उसका कुछ यूं आया है, और आपके पास लास्ट पे जो है डियर स्टूडेंट्स वो डी है, और इसका किस तरह से आया है, इसका कुछ यूं आया है, और ये। अब ये चार बंदों का हमने क्या कर लिया है, डीएनए को एनालाइज कर लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो
क्राइम साइट थी उस जगह से जो हमें मिला था डीएनए, हमने उसका भी ऑलरेडी पहले क्या कर रखा है, उसका भी हमने इसी तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उसका भी हमने डियर स्टूडेंट्स क्या कर रखा है, बना रखा है बैंड्स इसी तरह से। अब ये देखें फॉर एग्जांपल वो कुछ यूं था, जो हमारे पास सस्पेक्टेड बंदा था उनमें से हमारे पास एक बैंड जो है पहले से जो हमें साइट से मिले थे। फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि कहीं पर कोई चोरी हुई थी तो वहां पर चोरी करते वक्त उसका ब्लड जो है वो किसी चीज़, उसका हाथ किसी चीज़ के साथ लगा तो वहां पर उसका ब्लड था, तो ब्लड में से डियर स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कर लिया, साइंटिस्ट ने डीएनए निकाल लिया और फिर उन्होंने उसी की प्रोफाइलिंग की और प्रोफाइलिंग के बाद हमें कुछ बैंड इस तरह के मिले। अब देखिएगा अब क्या किया जाता है, इसी डीएनए को, ये जो डीएनए आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट हो चुका है, इसको आपने किस पे डाल लेना है, एक मेम्ब्रेन होती है और वी कैन से एक ब्लॉटिंग पेपर होता है जो कि नाइट्रो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। नाइट्रो सेलुलोज की ये जो मेम्ब्रेन है इस पर आपने एज सच ये जो डीएनए है इसको क्या कर लेना है, उतार लेना, मतलब अब ये डीएनए जेल में नहीं रहेगा, अब ये डीएनए किधर आ चुका है, नाइट्रो सेलुलोज की मेम्ब्रेन के ऊपर आ चुका है। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, और इनके बैंड भी अब मुझे बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है, ये हमारे पास बैंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह से जैसे ये हमारे पास बने हुए थे चार, एंड हमारे पास ये दूसरे का इस तरह से है और ये आपके पास तीन, और रंग मैं वैसे रैंडमली यूज कर रहा हूं तो उससे आपने परेशान नहीं होना, और आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये आ गया और लास्ट वाला जो था वो आपके पास कुछ यूं से था। अब आपने क्या कर लिया, इसको नाइट्रो सेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उस पर उतार लिया। अब डियर स्टूडेंट्स जब आपने इसको उसके ऊपर उतारा तो आपने इसमें क्या यूज की, प्रॉब्स यूज की। अब प्रॉब क्या चीज होती है वो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर प्रॉब बेसिकली एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रैगमेंट होता है, और ये फ्रैगमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। मतलब क्या, इसके अंदर आपने क्या यूज किया होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए होते हैं, या डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, फ्लोरिसेंट डाई यूज की जाती है। अब देखें ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव एक प्रॉब है, आपने क्या करना है इसमें, इसके साथ क्या कर देना है, उसको लगा देना होता है। अब वो लगाएंगे आपके कैसे, क्योंकि आपने पहले जो सस्पेक्टेड था बंदा उसका क्या किया हुआ है, आपने उसका डीएनए लिया हुआ है, वो डीएनए जो आपको साइट से मिला था क्राइम साइट से वो आपके पास मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, आपने उसी से क्या किया, उसी को यूज करते उसी के सीक्वेंस मालूम करके क्या कर लिया हुआ है, उसकी प्रॉब्स बना ली हैं। अब जब आपने प्रॉब्स बनाई तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ चुका है डीएनए, अब आपने इसको डीनेचर करना है। जब आप इसको डीनेचर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, पहले ये आपको नहीं दिख रहा होगा, पहले ये बिल्कुल निशान जो है इस तरह से आपको नहीं दिख रहे होंगे, जब आप इसको डीनेचर करेंगे, डीनेचर करने के बाद डियर स्टूडेंट्स जो आपने प्रॉब लगाई होगी या प्रॉब बनाई होगी, वो प्रॉब आपने क्या करनी है, इस नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के पेपर के ऊपर क्या कर देनी है, आपने उसको डाल देना है। जब आप इसको डालेंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिवली जो है वो लेबल्ड होगी, तो ये क्या करेगी, रेज जो है वो निकालेगी, जिसको आप एक्सरे फिल्म की यूज करते हुए, एक्सरे फिल्म को यूज करते हुए आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब जब एक्सरे फिल्म की मदद से देखा गया तो इस बंदे के, ये जो आपके पास बंदा है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला बी वाला, इसका जो जीनोम था वो और इसका जो जीनोम था वो, इस इन दोनों के बैंड जो थे वो सेम आए। अब इससे क्या पता चल गया कि यही वो इंसान था जिसने क्या की थी, चोरी की थी, मतलब बी वाला जो था वो आपके पास क्या निकला, कल्प्रिट निकला। अब ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि पहले तो मैंने समझाया, मैं उसको रिपीट करता हूं जो आसान होगा आपके। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सस्पेक्टेड पर्सन है या जो आपके पास सैंपल है, आपने सैंपल लेना है, सैंपल लेके डियर स्टूडेंट्स उसको क्या कर लेना, उसकी प्रॉबिंग कर लेनी है, और उसी तरह से आपने एक ऑलरेडी बैंड बना के रख लेने हैं। अब आपने क्या करना है, जो सस्पेक्टेड पर्सन होंगे उनका ब्लड लेना है या उनके स्किन से टिश्यू लेने हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके सेल में से जो है जीनोम उनको निकाल लेना है, जीनोम को निकाल के रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डियर स्टूडेंट्स आपने यूज करना है, उनके डीएनए को कट करना है। कट करने के बाद आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर डाल देते हैं। अभी तक ये आपको डीएनए नहीं दिखेगा, इसी डीएनए को फिर दोबारा कहां पर डाला जाता है, नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर डाल दिया जाता है। अब ये उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, जेल से निकलकर नाइट्रो सेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर आ चुकी है। अब आप उसको क्या करते हैं, डीएनए को डीनेचर करते हैं, मतलब डीएनए
अनरैप होता है। जब अनरैप होता है तो आप उसके अंदर प्रॉबिंग करते हैं, प्रॉब्स जो है वो आपके पास क्या करेंगे उस डीएनए के साथ लग जाएंगे। और ये प्रॉब्स आपने कैसे बनाई होंगी डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब आपने पहले सैंपल को यूज़ करते हुए बना ली होती हैं। या डियर स्टूडेंट्स, डीएनए के अंदर बहुत सारे आपके पास सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, और वी कैन से शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होते हैं, वो आपने क्या करना है उनको यूज़ करते हुए, ये आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करते हैं सेम होते हैं, और आप उनको यूज़ करते हुए क्या कर लेते हैं डिफरेंट लेंथ के जो आपके पास बेसिकली बैंड्स आए थे उनके साथ उनकी प्रोब्स बना लेते हैं, जो उनके साथ क्या कर जाती है अटैच कर जाती है, और इससे इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि ये बैंड जो थे जो हमने ऑलरेडी बना रखे थे ये थे जो हमें साइट से मिले थे, हम इन चार बंदों में देखना चाह रहे थे कि कौन सा बंदा जो है वो सस्पेक्टेड है, तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स या कल्प्रिट है वो आपके पास कौन सा था, बी था। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालाइजिंग की मदद से देख सकते हैं, जैसा कि डायग्नोसिस, बहुत सी वायरल डिजीजेज हैं जिनको हम डायग्नोस कर सकते हैं, इसी तरह से कैंसेरियस सेल्स को डायग्नोस कर सकते हैं इसी तरह से, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम इसी तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फोरेंसिक लैब के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, फोरेंसिक लैब में हम इसको क्राइम के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं कि किसी जगह पर कोई डेथ हो गई है, मर्डर हो गया, तो मर्डरर का जो है वो सैंपल हमें मिल गया वहां से, लाइक उसका हेयर कोई मिल गया तो हेयर के फॉलिकल को यूज करते हुए, क्योंकि वहां पर टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए हमारी हर टाइम डियर स्टूडेंट्स ये स्किन से क्या होते हैं सेल्स जो है वो उतर रहे होते हैं, शेडिंग हो रही होती है, या फिर उसका हाथ किसी चीज के साथ टकराया तो उसकी स्किन जो है वो वहां से उतर गई, उसके अंदर भी सेल्स थे। तो क्राइम को जो क्राइम में इसका यूज होता है फोरेंसिक लैब के अंदर डियर स्टूडेंट्स, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कल्प्रिट को आप किसका सहारा लेते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग का लेते हैं। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई रेपिस्ट है तो आप उसको देखना चाहते हैं, तो जो आपके पास सस्पेक्टेड जो विक्टिम होगा डियर स्टूडेंट्स उससे आप सस्पेक्टेड पर्सन को कैसे जो है वो देख सकते हैं, तो वहां से आपने क्या करना है सिंगल स्पर्म लेना है। स्पर्म के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स जो है वो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि रेपिस्ट का जो है वो पता चल जाता है। उसके साथ साथ टू सॉल्व रेप केस एंड उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स पेटर्निटी केसेस जो होते हैं, अब ये जो पेटर्निटी केसेस होते हैं इसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर सम टाइम बेबीज मिक्स हो जाते हैं, अब उनको भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से क्या कर लिया जाता है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उनके पेरेंट्स से भी ब्लड ले लिया जाता है, एंड एज वेल एज उस बच्चे में से भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स टिश्यू में से डीएनए निकाल लिया जाता है, और उसकी फिर फिंगर प्रिंटिंग की जाती है और फिर मैच कर लिया जाता है, जिसके जिस पेरेंट्स के साथ बैंड मैच कर जाएं वो बच्चा उनका होता है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमने एवोल्यूशन को भी जो है वो पढ़ा है, क्यों, तकरीबन 76,000 ईयर ओल्ड एक ममीफाइड ब्रेन जो है वो मिला था, और उसके सेल में से भी डीएनए को निकाल लिया। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स डीएनए जो है वो बड़ा स्टेबल जो है वो मॉलिक्यूल है, वो इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होता, यही तो वजह है कि जिस वजह से जो है वो इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा कर लिया जाएगा। बेसिकली हम मुसलमानों का ये यकीन है कि हमने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, तो अल्लाह ने हमें किस तरह से बनाना है वो यही डीएनए है जिससे इंफॉर्मेशन दोबारा से ले ली जाएगी, क्योंकि ये थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स भी देख लें आपके पास जो था वो ज़िंदा था, ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है। एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स 17 to 20 million ईयर्स अगो के जो प्लांट फोसल्स हैं उनकी भी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके वहाँ से एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब उनके अंदर जो हमसे इतने पुराने थे उनके अंदर जीन सीक्वेंसिंग क्या थी, और अब हमारे अंदर क्या, उनका जीनोम कैसा था और अब हमारा कैसा है। और इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स लास्ट पे आपको बताता चलूं कि जो हम ह्यूमंस हैं हमारा ह्यूमंस का 99.9% जो जीनोम है वो क्या होता है सेम होता है, 0.1% जो है वो डिफर करता है, और इसी डिफरेंस की वजह से हम एक दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक, सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।